हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद निशा में। आज हमने बहुत ही टेस्टी भरवा परवल बनाकर तैयार किए हैं। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत हेल्दी होती है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए बनाने चलते हैं आज की रेसिपी भरवा परवल। मैंने लिए हैं 500 ग्राम परवल। परवल को धोकर छील लेंगे और दोनों किनारे काट देंगे। इसमें कट लगाएं। मैंने परवल को धोकर काट लिया है। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 4 छोटे चम्मच धनिया, आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च, 1/3 चम्मच हल्दी, आधा छोटे चम्मच जीरा, आधा लेंगे नींबू। तो चलिए मसाले मिक्स करते हैं। अब हम एक प्लेट में सारे मसाले ऐड कर लेंगे। परवल में मसाला भरने के लिए आधा नींबू, एक चम्मच सरसों का ऑयल। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मसाला परवल में भर लें। सारे परवल ऐसे ही भरने हैं। परवल भर कर तैयार हैं। अब कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे और इसे गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें जीरा डालेंगे और सारे परवल एक एक करके इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे सारे परवल पर ऑयल लग जाए, और इसे ढक के पकाएंगे जब तक परवल सॉफ्ट हो जाए। हमें हर 2-3 मिनट बाद परवल पलट पलट कर देने हैं ताकि परवल चारों तरफ से पक जाएं। मीडियम फ्लेम रखना है गैस का। एक बार फिर से कवर कर देंगे, ढक्कन हटाएंगे और 4 से 5 मिनट बिना ढक्कन ढके पकाएंगे। परवल अब बनकर तैयार हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे दिया गया लाइक बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।